स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। वो इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इक्विवेलेंट एफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ टू इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन्स। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट डाउन स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर टू इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे लिखा होता है टू इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन, या फिर यह सिंबल होता है लिटल डी और ऊपर ऐसे पावर की फॉर्म में लिखा होता है टू इलेक्ट्रॉन्स। Using which coupling? LS coupling. अब two equivalent d electrons. For d electron, L1 is 2, spin quantum number is half. Another d electron, ये पहला d electron, ये second d electron. कभी L2 is orbital quantum number, S2 is spin quantum number of second electron. N1 equal to L2, that's what meaning of equivalent इलेक्ट्रॉन्स। सो टू इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन में L1 भी इक्वल है आपस में, S1 भी इक्वल है और N1 इक्वल टू N2। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल L, L1 प्लस L2 से लेके मोड L1 माइनस L2। अब L1 L2 2 है, तो 2 प्लस 2 से लेके 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, 2 प्लस 2 इज 4, तो बीच में और भी तो वैल्यूज आएंगे क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू इज 1। So, 0 से आगे 1, फिर 2, ये 3, ये 4, ये तो एक्सट्रीम वैल्यूज पता चलती हैं। 4, 0 एक्सट्रीम वैल्यूज है, बीच में एक एक के गैप पे वो वैल्यूज आपको लिखनी है। और L0, कैपिटल L0 मीन S स्टेट, कैपिटल L1 मीन P स्टेट, कैपिटल L2 मीन D स्टेट, कैपिटल L3 मीन F स्टेट, कैपिटल L=4 मीन्स G स्टेट। अब बारी आती है कैपिटल S। What are possible values of capital S? S1 plus S2 से लेके mod S1 minus S2, यानी half plus half से लेके half minus half, यानी 1, 0। But due to Pauli's exclusion principle, wave function of system must be anti-symmetric. And anti-symmetric wave function, क्योंकि electron fermions है, fermion का wave function जो है anti-symmetric होता है, boson का wave function symmetric होता है। So, fermions always obey Pauli exclusion principle. Bosons do not obey Pauli exclusion principle. So, यही लिखा हुआ है। Anti-symmetric wave function की क्या demand है? Anti-symmetric wave function should have even L के associated even S है, odd L के associated odd S है। जैसे non-equivalent electrons में we have all the terms, लेकिन in case of two equivalent electrons we don't have all possible terms. Rather, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की वजह से क्या होगा, इवन एल विल बी एसोसिएटेड विद इवन एस, ओड एल विल बी एसोसिएटेड विद ओड एस। एस इक्वल टू 0 को मैं इवन ले रहा हूँ, एस इज 1 इज ओड। एल की वैल्यू इवन कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए एल इवन कौन सा है, 4 इज इवन, 2 इज इवन, 0 इज इवन और एस 0 इज इवन। तो 4, 2, 0 इवन एल एसोसिएटेड विद इवन एस, और ओड एल कौन से 3, 1 और इधर ओड एस कौन से 1, तो ओड एल इज ट्रीटेड विद ओड एस, इवन एल विल बी एसोसिएटेड विद इवन एस। सो जे की वैल्यू होती है एल प्लस एस से लेके मोड एल माइनस एस। जे इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब इवन एल को देखते हैं, एल इज 0, फिर इवन एल इज 2, फिर इवन एल इज 4। पहले इवन ले लेते हैं, इवन एल 0, एल 0 एसोसिएटेड विद एस 0, तो वैल्यूज क्या आएगी, एल प्लस एस से एल माइनस एस, 0 प्लस से 0, 0 माइनस 0, यानी 0 ही रहेगा जे की वैल्यू। और एस 0 का मतलब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s प्लस 1 यानी 1, और एल 0 का मतलब एनर्जी स्टेट एस, और सबस्क्रिप्ट क्या जे, और जे का वैल्यू है 0। फिर उसके बाद मैं इवन एल की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट इवन वैल्यू एल की वैल्यू है 2, और इवन एल एसोसिएटेड विद इवन एस, यानी एल 2 एसोसिएटेड विद इवन एस, यानी 0, तो 2, 0, 2 प्लस 0 से 2 माइनस, जे की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 0 से 2 माइनस 0, यानी जे की वैल्यू 2। एल 2, एल इक्वल टू 2 मीन डी एनर्जी स्टेट, एस इक्वल टू 0 का मतलब मल्टीप्लिसिटी इज 1। नेक्स्ट एल इज 4 इवन, इवन एल एसोसिएटेड विद इवन एस, तो एल 4 एस 0, फिर जे की वैल्यू वही होगी जो एल की होगी क्योंकि एस इज 0।
तो जे की वैल्यू 4 आ गई, तो ये सफिक्स जे है और एल इक्वल टू 4 मीन एनर्जी स्टेट जी, और एस 0 के अंदर मल्टीप्लिसिटी 1, सो वी हैव टेकन इनटू अकाउंट इवन एल एसोसिएटेड विद इवन एस. नाउ इट्स टॉक टू टॉक अबाउट नाउ इट्स टर्न टू टॉक अबाउट ओड एल ओड एस. ओड एल ओड एस, एल इज 1, एस इज 1, तो जे की वैल्यू क्या होगी, एल प्लस एस से एल माइनस एस, 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 यानी 2, 1 माइनस 1 0 यानी 2 1 0, और L1 का होता है P एनर्जी स्टेट, S की वैल्यू 1 है तो ट्रिपलेट 3 3 3, ऊपर वाला मल्टीप्लिसिटी. उसके बाद एक और रह गया L की वैल्यू 3. स्टूडेंट कैपिटल L की वैल्यू 3 एसोसिएटेड विद ओड कैपिटल S इक्वल टू 1, ओड L ओड S, तो J की वैल्यू क्या होगी, L प्लस S से मोड L माइनस S, 3 प्लस 1 से 3 माइनस 1 यानी 4 से 2, 4 से 2, बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी 3, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव 1. सो टर्म्स विल बी एल इक्वल टू 3 है तो एफ एनर्जी स्टेट, एस 1 है तो मल्टीप्लिसिटी 3, नीचे जे के वैल्यू 2 3 4. तो दस टू इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू, एक ये टर्म आ गई 1s0, ये पी वाली टर्म, ये डी वाली टर्म, ये एफ वाली टर्म, ये जी वाली टर्म. सो हाउ मेनी टोटल टर्म्स फॉर टू इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स आ जाएगी. कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं टू इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन के केस में यूजिंग एलएस कपलिंग स्कीम, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म्स कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो उसमें 7 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और एक ये होगा कि 9 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर 9 आ जाएगा. ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम फाइनल एग्जाम में आता है, टू इक्विवेलेंट डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रल टर्म्स लिखे एलएस कपलिंग स्कीम से. इसी प्रकार से हम पी इलेक्ट्रॉन के लिए बताएंगे, एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताएंगे. और अब मैं एक और बात करना चाहूंगा, टर्म्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स या मोर इक्विवेलेंट, टर्म्स फॉर टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. फॉर इंस्टेंस एटम्स हैविंग फिल्ड सब शेल्स, जैसे एस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और पी सब शेल में ऑर्बिटल तो 3 होते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. एक प्रिंसिपल शेल होता है, प्रिंसिपल शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के अंदर 3 और 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है, एफ में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं, डी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, P में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, S में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं. तो S में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो फिल्ड शेल, सब शेल कंप्लीटली फिल्ड. P में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड. D में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड. और अब एग्जांपल ले रहा हूं S2, ऊपर S2 का मतलब है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक एक प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. आप जानते हैं जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3 रूल्स फॉलो करते हैं बाय फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अफबो रूल नंबर 1, अफबो रूल नंबर 1, नंबर 2 हंट्स रूल HUNDS, वो भी बात करेंगे, और नंबर 3 है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो एक शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो तभी आ सकते हैं अगर उनके स्पिन क्वांटम नंबर आपस में अपोजिट है. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन हैविंग अपर स्पिन, दिस इज इलेक्ट्रॉन हैविंग डाउनवर्ड स्पिन. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है क्योंकि अपवर्ड ओरिएंटेशन, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ है क्योंकि डाउनवर्ड ओरिएंटेशन स्पिन का है. कैपिटल एम सफिक्स इज टोटल स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल यानी कुल यानी फुल कंप्लीट यानी समेशन एम सफिक्स, यानी इनको ऐड करो, हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो गया, जीरो. अगर स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही जीरो है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कैपिटल एस इज जीरो, क्योंकि कैपिटल एस जो है अगर जीरो होगा तो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज माइनस एस टू एस, तो जीरो है तो माइनस जीरो टू जीरो, तो बाकी कैपिटल एस जीरो. और एस टू है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में है, तो एल वन इज जीरो, L2 is 0, और L1 0 है तो उसके एसोसिएटेड जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी 0 है, L2 0 है तो उसके कोरस्पोंडिंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी 0 है.
सो फोर्थ क्वांटम नंबर हैज टू बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि पॉली ने यह कहा था कि एक सबशेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो तभी आ पाएंगे अगर उनका फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट है, एक अगर अपवर्ड है तो दूसरे की स्पिन को डाउनवर्ड होना ही होगा, इसलिए अपवर्ड स्पिन मीन एम सफिक्स एस वन हाफ, डाउनवर्ड स्पिन मीन एम सफिक्स एस टू इक्वल टू माइनस हाफ। इसका मतलब है जब हमने टोटल किया अभी बात कर रहा था तो टोटल स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज जीरो, जिसके एक ही मतलब होता है कि कैपिटल एस जीरो है, कैपिटल एस जीरो है, कैपिटल एस इज नॉट वन इन दिस केस, क्योंकि अगर कैपिटल एस वन होता तो उसका मतलब होता कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम सबशेल में अपवर्ड डायरेक्शन में होती, उससे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्ट्रेटली वायलेशन हो जाता, तो इसलिए कैपिटल एस इज नॉट वन इन दिस केस बल्कि कैपिटल एस इज जीरो, और द मोमेंट यू से कैपिटल एस इज जीरो कैपिटल एल जीरो तो है ही, तो कैपिटल जे भी जीरो बनेगा क्योंकि जे इज एल प्लस एस से एल माइनस एस, जो फॉर टर्म विल बी एस जीरो का मतलब एल जीरो का मतलब एल जीरो का मतलब एस एनर्जी स्टेट, एस जीरो का मतलब मल्टीप्लिसिटी वन, जे जीरो सफिक्स सबस्क्रिप्ट जीरो, तो एक ही टर्म बनेगा जहां पे भी एटम्स हैविंग फिल्ड सबशेल हो, यकीन मानिए चाहे वो एटम्स हैविंग फिल्ड सबशेल एस टू हो या बी सिक्स हो या डी सिक्स हो या एफ फोर्टीन हो, वट एवर बी दैट, जहां पे भी फील्ड वेयर एवर देयर इज फील्ड कंप्लीटली फील्ड सबशेल, तो वहां पे जो टर्म आएगी वो सिर्फ वन एस जीरो आएगा, और इसका मतलब यहाँ तो ना तो यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ना ही फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम है, सो नो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ एटम हैविंग फिल्ड सबशेल, नो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ एटम हैविंग फिल्ड सबशेल, नो टोटल एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ एटम हैविंग फिल्ड सबशेल, सो दीज एटम्स हैविंग फिल्ड सबशेल एस टू पी सिक्स डी टेन आर इनर्ट, therefore they do not interact with radiation. So student, second case I am dealing regarding equivalent electrons, terms for NL superscript Q is equal to terms for NL superscript R minus Q. What is R? Where R is maximum number of electrons in subshell. जैसे कि P subshell में maximum number of electrons 6 है, D subshell में maximum number of electrons 10 है, अभी बता रहा था F में maximum number of electrons कितने हैं 14. Where R is maximum number of electrons in subshell. एक example से समझाते हैं. For instance, 2P 5. इज इक्वल टू, ये देखिए Q यहाँ पे 5 है, N यहाँ पे 2 है, L यानी P एनर्जी स्टेट, तो NL पावर Q इज इक्वल टू टर्म्स फॉर NL रेज टू पावर Q इज इक्वल टू टर्म्स फॉर NL रेज टू पावर R माइनस Q, जितनी टर्म्स NL रेज टू पावर Q की होंगी उतनी टर्म्स NL रेज टू पावर R माइनस Q की होंगे, इसको अप्लाई करते हैं 2P पे, 2p raise to power 5 यानी q is 5, और हमें पता है p में कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो r की वैल्यू p के केस में हमें पता है 6 है, तो 2p r r की जगह आ जाएगा 6 माइनस, और यहाँ पे q की जगह 5 यानी 2p raise to power 1, therefore we will say terms for p 5 is equal to terms for p 1, इसका मतलब जितनी टर्म्स p 5 में आएंगी उतनी टर्म्स p 1 में आएंगे, ओड पावर में हमेशा वन इलेक्ट्रॉन लेस करेंगे स्टूडेंट। एक और एग्जांपल, टर्म्स फॉर डी 9, 9 इज ओड, अभी बता रहा था टर्म्स फॉर डी 9 इज इक्वल टू टर्म्स फॉर एनएल क्यू इज इक्वल टू एनएल आर माइनस क्यू, लेकिन डी में ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10, तो आर की जगह 10 माइनस 9 डी 1, इसका मतलब टर्म्स फॉर डी रेस्ट पर डी रेस्ट डी 9 की उतनी टर्म्स डी 9 की भी उतनी टर्म्स होंगे जितनी डी 1 की टर्म्स होंगे, और डी का तो अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था डी 1 का, और डी स्क्वायर का क्वेश्चन करवाया था, टर्म्स फॉर एफ 13, तो एफ 13 एफ में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो आर की वैल्यू 14, तो एफ रेस पर 13 इज इक्वल टू एफ रेस पर 14 माइनस 13 एफ रेस पर 1, इसका जितनी टर्म्स एफ की पर 13 की है उतनी टर्म्स एफ 1 एफ
F13 की भी उतनी टर्म्स है जितनी टर्म्स F1 की है। सो जब भी पावर ऑड हो तो एक इलेक्ट्रॉन लेस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेस, एक इलेक्ट्रॉन लेस, एक इलेक्ट्रॉन लेस। अब बात आती है टू इलेक्ट्रॉन लेस किसमें करने, जिसमें पावर इवन है। फॉर इंस्टेंस टर्म्स फॉर P4 इज इक्वल टू, अब P में ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। P में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसमें R की जगह क्या आ जाएगा, 6, और ये Q कितना दिया हुआ है, 4, यानी P² आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए R-Q यानी एक बच रहा है, 1-1 आ रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेस होके आ रहे हैं। देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेस होके आ रहे हैं। टर्म्स फॉर D8 डी में ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, और यहां पे क्यू कितना दिया हुआ, 8, 10-8 2, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। टर्म्स फॉर F12 इज इक्वल टू, F में ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, माइनस क्यू कितना है, 12, तो F² देखो फिर 2 बच गए। कहने का मतलब जहां पे इवन है वहां 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन P, 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन D, 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन F। अब है टर्म्स फॉर 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन P, N1 इक्वल टू N2 है, P में L1 क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन P के हैं इक्विवेलेंट है, तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू 1, और L1 L2 दिया हो तो कैपिटल L की वैल्यू क्या होती है, L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2, 1 प्लस 1 से लेके 1 माइनस 1 यानी 0 1 2, और ML1 की वैल्यू क्या होगी, 1 0 माइनस 1, ML2 की वैल्यू माइनस L से लेके प्लस L, 1 0 माइनस 1। अब है तो दोनों इलेक्ट्रॉन P के, तो स्पिन हाफ होगी। इसका मतलब कैपिटल S की वैल्यू 0 भी है 1 भी है, 0 तब होगी जब दोनों स्पिन अपोजिट होगी, 1 होगी जब दोनों स्पिन सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल स्पिन है तो 1, एंटी पैरेलल स्पिन है तो 0। लेकिन हियर वी विल नॉट टेक ऑल द टर्म्स वैल्यू एज सम ऑफ देम हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। मेथड स्टूडेंट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में मैं आपको टेक्निक बता देता हूं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में इवन एल एसोसिएटेड विद इवन एस, ओड एल एसोसिएटेड विद ओड एस। यहां पे एस की वैल्यू 0 है 1 है, ये एस इवन है ये ओड है, एल की वैल्यू ये 1 ओड है, ये एल 0 इवन है, एल 2 इवन है, तो 0 और 2 इवन को इवन के साथ 0 क्लब करेंगे, L1 ओड है इसको ओड S के साथ क्लब करेंगे। अब देखिए S इज 0 इवन, तो L इवन कौन से है, 0 एंड 2, और जब भी S 0 तो J की वैल्यू वही होती है जो L की वैल्यू होती है, और S 0 तो मल्टीप्लिसिटी 1, और L 0 है तो एनर्जी स्टेट S, और L 2 है तो एनर्जी स्टेट D, और नीचे J के वैल्यू। अब ओड S ओड L यानी S1 L1 तो J की वैल्यू L प्लस S से L माइनस S, 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1 यानी 0 1 2, S1 है तो मल्टीप्लिसिटी 3, L1 है तो एनर्जी स्टेट T, नीचे J की वैल्यू 0, J की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो इसका मतलब अगर टर्म्स फॉर P4 लिखना आता है कि राइट डाउन पॉसिबल स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर P4, तो उसका आंसर वही होगा जितनी स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर 2 इक्विवेलेंट P इलेक्ट्रॉन यानी P²। तो पी स्केयर में टर्म्स टोटल कितने, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये पी स्केयर का भी आंसर है, ये पी की पावर 4 का भी आंसर है। इफ आई स्टूडेंट आस्क राइट डाउन टर्म्स फॉर P6, अगर मैं लिखूं कि पी की पावर 6 में कितनी टर्म्स है, तो फिर क्या आएगा, पी में ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन 6 है, तो P6-6 यानी 0, और ये मैंने अभी पीछे बताया था कि जहां कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं दे डोंट इंटरैक्ट, वो इनर्ट हो जाते हैं, जैसे इनर्ट गैसे नोबल गैसेस हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन लेडोन। अब बारी आती है F पेपर में आ गया, राइट डाउन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर F इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग LS कपलिंग स्कीम। देखो पी स्केयर इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्कस किया, डी स्केयर इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्कस किया, बस हम एफ स्केयर इलेक्ट्रॉन डिस्कस करके लेक्चर खत्म है। दोनों इलेक्ट्रॉन एफ है, L1 3 L2 3, पहला इलेक्ट्रॉन F, दूसरा इलेक्ट्रॉन F, और दोनों की स्पिन हाफ। L की पॉसिबल वैल्यू L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2, 3 प्लस 3 से 3 माइनस 3, बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू लिखेंगे एक एक गैप पे। S की वैल्यू S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2, 0 एंड हाफ प्लस हाफ, हाफ माइनस हाफ, 0 एंड 1।
फिर वही कॉन्सेप्ट मेथड क्या बताया मैंने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में, इवन एल एसोसिएटेड विद इवन एस, ओड एल एसोसिएटेड विद ओड एस, वही कॉन्सेप्ट लगाना। अब इवन एल सॉर्टिंग कर लो, इवन कौन से 6, 4, 2, 0 और एस इवन कौन से दोनों में से 0, जब भी एस 0 हो तो जे की वैल्यू वही होती है जो एल की है। अब एनर्जी स्टेट लिख दो, जब भी एल 0 होता है तो एस स्टेट, 2 होता है तो डी स्टेट, एल 4 है तो जी स्टेट, एल 5 है तो एच स्टेट, एल 6 है तो आई स्टेट और एस 0 है तो मल्टीप्लिसिटी 1 और नीचे जे के वैल्यू। फिर उसके बाद ओड एल ओड एस, ओड ओड एल ओड एस को क्लब करें, ओड एस कितना है 1, ओड एल देखिए 5, 3, 1, एक एक करके इसको जोड़िए, एल को एल को एल इक्वल टू 5 को कपल करिए एस इक्वल टू 1 के साथ, एल एस कपलिंग स्कीम है ना, एल 5 को एस इक्वल टू 1 के साथ कपल करेंगे तो जे की पॉसिबल वैल्यू एल प्लस एस से एल माइनस एस, 5 प्लस 1 से 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6, बीच में इंटरमीडिएट तो आएगा, एस इक्वल टू 1 तो मल्टीप्लिसिटी 3, एल 5 है तो एनर्जी स्टेट एच, नीचे जे के वैल्यू। अब एस इक्वल टू 1 तीनों एल इसके साथ जाएंगे, अब एल 3 इसके साथ जोड़ जाएगा क्लब होगा, एल इक्वल टू 3 एस इक्वल टू 1 के साथ कपल होगा तो जे की वैल्यू क्या आएगी, एल प्लस एस एल माइनस एस, 1 प्लस 3 से 1 माइनस 3 का मोड, एस 1 है तो मल्टीप्लिसिटी 3, एल 3 है तो एफ, नीचे जे के वैल्यू। लास्ट में एल की वैल्यू 1 एस इक्वल टू 1 के साथ एसोसिएट होगी, कपल होगी, क्लब होगी, कंबाइन होगी तो जे कितना बनेगा, एल प्लस एस एल माइनस एस मोड, 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1 और एल 1 है तो पी, एस 1 है तो मल्टीप्लिसिटी 3, नीचे जे के वैल्यू। टोटल टर्म्स गिन सकते हैं, एक एक टर्म गिन लीजिए कितनी टोटल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 एफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, एफ स्केल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स कितने आ गए, 13। तो ये था इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।